आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना गांधी मैदान बिस्कुमान के पास। जैसा कि आप सभी को पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय पहले बिस्कुमान में हुआ करता था, लेकिन अब जो भी है मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा में बन चुका है, बनकर तैयार हो चुका है। तो अब से अगर कुछ भी पढ़ाई करना होगा नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से तो आपको नालंदा जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से आज इस मतलब एक तरह से कहा जाए तो नालंदा यूनिवर्सिटी का आज पटना से नामो निशान मतलब ख़त्म हो जाएगा। यहाँ बिहार अग्निशमन सेवा के द्वारा मतलब यहाँ पे जो बिस्कुमान के बाहर में जो नाम लगा हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय का, उसको यहाँ से हटाई जा रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से कि यहाँ पे ये काम देखने के लिए कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं और सेफ्टी की भी ध्यान दी जा रही है। तो चलिए चलकर यहाँ से लोगों से ही बातें करेंगे। जी सर, अपना नाम बताइएगा। ज्ञानेश कुमार। सर, पहले तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो था बिस्कुमान में हुआ करता था, अब तो ये नालंदा चली गई, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। तो बच्चे लोग को अब तक यहाँ शहर में था तो नज़दीक में सभी बच्चे को पहुँचने में सुविधा होता था। अब क्या है कि मान लिया वो कटिहार से जो लाएगा वो नालंदा जाना पड़ेगा, है ना। ये सेंटर था, राजधानी था, लोगों को सुविधा होता था, अब परेशानी झेलना पड़ेगा बच्चे लोग को। तो कहीं ना कहीं अब जो भी परीक्षा हो या फिर पढ़ाई हो तो नालंदा जाना पड़ेगी। जितना स्टूडेंट हो परेशानी ना होगी। अब लगभग लगभग कितने सालों से नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ बिस्कुमान में थी? जब से स्टार्ट हुआ तब से यही है, मतलब शुरुआत से। ओपन यूनिवर्सिटी जब स्टार्ट हुआ तब से यही है जी। तो चलिए इसके बारे में यहाँ और भी लोग यहाँ पे काम होते हुए देख रहे हैं, मैं इनसे भी बातें करूंगा। अपना नाम बताइएगा सर। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ जी। जैसे कि सभी को पता है कि पहले जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी बिस्कुमान में थी, लेकिन इधर अब नालंदा में नालंदा खुला विश्वविद्यालय बन चुका है, तो जो भी काम होगा अब वहाँ से होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। सर, पहले पटना में था ये, इसके लेकर के यहाँ कंजक्शन जगह था और नालंदा विश्वविद्यालय ओपन हो गया है। वहाँ नालंदा में जा कर के सारी सुविधाएँ सारा कुछ वहाँ बन गई है, इसीलिए यहाँ से इसे नाम प्लेट हटाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब जो बच्चे मतलब यहाँ आते थे पढ़ते थे, अब उन्हें नालंदा जाने की पड़ेगी जी, उसे उन्हें तो नालंदा जाना पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ी है या कम हुई है? नहीं, परेशानी ऐसा कुछ नहीं है। नालंदा और पटना में कोई नहीं, जहाँ सुविधा है अगर सारा चीज़ मिल जाए तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी उसे। तो कहीं ना कहीं आज नालंदा विश्वविद्यालय मतलब यहाँ से उसका नामो निशान अब ख़त्म हो चुका है। अब आपको कुछ भी पढ़ाई करने की होगी अगर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से तो आपको नालंदा जानी पड़ेगी जी। तो इसके बारे में जैसे कि आप हमारे कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अग्निशमन सेवा के द्वारा यहाँ पे काम की जा रही है, देख सकते हैं नाम तक मतलब कवर रहा है, जो कि अब एक तरह से कहा जाए तो मतलब नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो है नालंदा में बन चुका है। वहाँ पे सभी फैसिलिटीज सभी क्लासेस होंगी और अगर बच्चों को अगर वहाँ जाकर अगर पढ़ना होगा तो अब उन्हें पटना आने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज 24। मैं वेद सिंह सहयोगी राहुल के साथ पटना।